Hello everyone, thank you so much for watching this video. My name is Mohit and I am here again with a video which is going to discuss some part of English, right? Before I start today's class, let me ask you a question jo main bahut baar pooch chuka hoon aur I often ask students that you guys have started learning English or not. Aur agar aap logo ka answer hai yes, so guys let me congratulate you for this beautiful thing that you've done to improve your English. That you've started. और अगर आप लोगों का आंसर है नो, सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोगों को इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, राइट? और इंग्लिश सीखना ट्रस्ट मी गाइज बहुत ईजी है. और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ दैट आई नो इंग्लिश और आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो दैट इज वाई मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई पर्सनली feel if I can speak why can't you people. Yes, you can, trust yourself, you can speak, you can write, you can read and you can listen, you know, to English easily, right guys? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज की क्लास का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ. आज की जो क्लास है दैट इज गोइंग टू बी अ वोकैबुलरी क्लास. एज यू नो इट इज़ नॉट माई फर्स्ट क्लास कि मैं आपको फर्स्ट क्लास दे रहा हूँ. ऑलरेडी टू और थ्री सेशंस मैं दे चुका हूँ वोकैबुलरी पर. गाइज वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप लोग अगर आप लोगों ने एम बनाया अपनी इंग्लिश को सुधारने का, सो आप स्टार्ट करिए वोकैबुलरी के साथ. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर भी आ गई और आप लोगों ने हल्का फुल्का बोलना स्टार्ट कर दिया बट यू कॉन्ट स्पीक फ्लुएंटली, क्योंकि जब बात वोकैब की आएगी यू विल गेट स्टक. या आपने लिखना स्टार्ट किया है और कुछ वर्ड्स आप लोग को आते नहीं है, उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सो हाउ विल यू, यू विल नॉट बी एन, यू विल नॉट बी अ राइटर, राइट गाइस? सो प्लीज आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करिए एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दिस. आज की जो क्लास है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर. अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है गाइस? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है दैट आई टेल, दैट आई हेल्प यू और दैट आई टेल यू बेसिकली विद अ सेंटेंस, राइट? लाइक अगर मैं आप लोगों से कहूँ दैट यस्टरडे आई विजिटेड अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट. कल मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, राइट? दिस इज अ सेंटेंस. मैं अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करूं, मैं ये ना कहकर दैट आई विजिटेड अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर कैप्ट, मैं ये कह सकता हूं आई विजिटेड अवेरी यस्टरडे. मींस यस्टरडे आई विजिटेड अवेरी. अवेरी इज अ प्लेस विच इज यूज्ड फॉर कीपिंग द बर्ड्स, राइट? हाउ इजी, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया सेंटेंस को. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. मतलब आप एक पूरी लाइन है उसके लिए आप लोगों ने एक वर्ड यूज कर लिया एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यस गाइस, जैसा कि आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को यू नो दे वॉचिंग वीडियोस, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट? कर रहे होंगे. सो उनके लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वोकैबुलरी आती ही आती है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. और वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट डेफिनेटली अपेयर्स, राइट? सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको क्लैरिफाई कर ही दिया है और आज मैं आप लोगों को 20 वर्ड्स दूंगा, सिखाऊंगा और बताऊंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग दैट गवर्नमेंट जॉब्स इन माइंड. और जो स्टूडेंट्स दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश और बी अ गुड राइटर ऑल्सो, उनके लिए भी दैट इज़ गोइंग टू हेल्प. सो देख लेते हैं आज की जो क्लास है, जो वन आज की क्लास है दैट इज़ ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो जो पहली जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है गाइज, दैट इज वॉट, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट. एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, राइट? सो इसके लिए हम एक वर्ड में इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको एक वर्ड में हम लिख सकते हैं अपेयरी, ए पी आई ए आर वाई. प्लीज आप लोग नोट करते रहें और या तो साथ में नोट करें या बाद में आप लोग इनको लिख लें. मींस इसको कंप्लीट करने के बाद में लिख देता हूँ वीडियो के बाद, पूरा एक साथ एक पेज में जरूर बनाता हूँ जिसमें ये सारी चीजें मैं लिखता हूँ, राइट? सो देयर यू कैन राइट, बट लिखे जरूर, तभी फायदा, अदरवाइज देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बेनिफिट ऑफ माई क्लास, राइट? जो दूसरी लाइन है दैट इज वॉट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट. एक ऐसा स्थान जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अवेरी, ए वी आई ए आर वाई,
अवेरी, कंफ्यूज मत होना, दैट इज अपेरी एंड दैट इज अवेरी। एविएशन से आप इसको याद कर सकते हैं, एविएशन विच इज रिलेटेड टू फ्लाइंग बेसिकली, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हैं, दैट इज अवेरी। राइट गाइस, जो नेक्स्ट लाइन आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज व्हाट, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। राइट, जहां पर कॉइन्स बनते हैं, सिक्कों को ढाला जाता है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? सो उसके लिए आप लोग देख सकते हैं मिंट, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं गाइस, मिंट कहते हैं। राइट, टकसाल इन हिंदी इफ यू वांट टू नो, दैट इज मिंट। नेक्स्ट लाइन आपके सामने लिखी हुई है, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर पिग्स को रखा जाता है। राइट, सो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टाय, STY, स्टाय। राइट, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट। राइट, या यू कैन से अ होम फॉर रैबिट्स, अ प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट, उस स्थान को हम कहते हैं हच, HUTCH, हच। राइट गाइस, जो नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज अ शेल्टर फॉर अ काउ, मींस जहां पर गाय को रखा जाता है, गायों को रखा जाता है, सो अ शेल्टर फॉर अ काउ, उसके लिए जो प्लेस है, दैट इज पेन, PEN, और बायर, BYRE। राइट, जहां पर गाय को रखा जाता है, दैट इज व्हाट, बायर। नेक्स्ट, द होम ऑफ अ लायन, एक मींस एक ऐसा स्थान जहां पर लायंस रहते हैं, और दे यू नो दे लिव देयर, इट इज देयर होम बेसिकली, सो उसको हम क्या कहेंगे, डेन, DEN, दैट वर्ड इज व्हाट, डेन। जो नेक्स्ट लाइन आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। राइट, तो जहां पर जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, दे रेस्ट, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम कहते हैं लेयर। राइट, LAIR, दैट इज लेयर। राइट, विच इज बेसिकली अ प्लेस और रेस्टिंग प्लेस फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। राइट, नेक्स्ट, द रेजिडेंस फॉर मंक्स और प्रीस्ट्स। राइट, ऐसा स्थान जहां पर मंक्स या प्रीस्ट रहते हैं, पुजारी लोग रहते हैं जहां पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री, MONASTERY, दैट इज मोनेस्ट्री। नेक्स्ट जो है, दैट इज द प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, एक ऐसा स्थान जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है और रिफ्यूल किया जाता है, या फिर देखा जाता है कि भाई कोई कमी तो नहीं है इसकी टेक्नोलॉजी में, और वट एवर दे डू राइट टू कीप इट अप टू द मार्क, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, दैट इज हैंगर, HANGAR। राइट, नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, ऐसे दस्तावेज रखे जाते हैं विच टेल अबाउट पीपल और दे इन्फॉर्म, और द इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट। राइट, गवर्नमेंट के लिए मीन्स जो दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, उनके लिए रखे, मीन्स ऐसा प्लेस जहां पे वो दस्तावेज रखे जाते हैं। राइट, तो उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्काइव, और आर्काइव बेसिकली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आर्काइव। राइट, तो आपके सामने ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये प्लेसेस हैं, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अपेरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अवेरी, अ प्लेस वेयर कॉइंस आर मेड, मिंट, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, स्टाय, अ प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट, दैट इज हच, अ शेल्टर फॉर अ काउ, पेन और बायर, the home of a lion, that is den, the resting place of a wild animal, that is lair, the residence for monks or priests, that is monastery, the place for housing aeroplanes, that is hangar, a place where the government records are kept, that is archive. Right guys, तो ये कुछ places के नाम मैंने लिखे हैं, which are very very important. Right guys, सो प्लीज इनको आप लिख लें एक बार, और केवल लिखे ना, इनको आप मेमोराइज भी करें, और वॉट यू कैन डू टू मेमोराइज देम, दैट यू कैन यूज इन योर डेली कम्युनिकेशन, और यू कैन शेयर विद पीपल, यू कैन टेल अदर पीपल कि आप लोगों ने आज ये वर्ड्स सीखे हैं। अगर ये कितने वर्ड्स हैं, अराउंड 11 वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो आप लोग अगर 11 में से आपने 3 वर्ड शेयर करने के बाद 3 वर्ड्स भी आपको खुद को याद हो गए, सो गाइज दैट इज वेल एंड गुड। राइट, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन है,
उसमें अलग कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि और कौन कौन से वर्ड्स मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। राइट गाइस, प्लेसेस के बाद जो आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके गाइस, सो प्लेसेस के बाद आगे चलते हैं। सो मैंने आप लोगों को 11 प्लेसेस के बारे में बताया, अब मैं आगे जो आपको कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे जो पहले है वो क्या है, समथिंग विच कांट बी हर्ड, कुछ एक ऐसी चीज़ जिसको आप नहीं सुन सकते हैं, जो ईजिली नहीं सुनी जा सकती है, उसको हम एक बार में क्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो तो कैसे, या मेरे पास दो तरीके हैं, तो मैं कहूँगी दैट ही वॉज स्पीकिंग विद सच लेस। ओके गाइस, सो प्लेसेस के बाद आपके सामने जो ओके गाइस, सो हमने प्लेस डिस्कस किए, मैंने आप लोगों को 11 प्लेसेस के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जो पहला है दैट इज समथिंग विच कांट बी हर्ड, जिसको आसानी से ना सुना जा सके, राइट right? तो हम उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, इनऑडिबल। इसके लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज होगा दैट विल बी वॉट, इनऑडिबल। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको दो वर्ड मिल जाते हैं इनऑडिबल से, क्या वर्ड मिल जाते हैं यहाँ पे, समथिंग विच कांट बी हर्ड इज इनऑडिबल। और आप लोगों को ये पता होगा कि जब कोई हम वर्ड है, कोई भी वर्ड है, और उसके सामने हम आई एन लगा दें, इन लगा दें, तो वो उसका नेगेटिव मीनिंग देता है, राइट right? तो देखा जाए तो यहाँ पे एक वर्ड है ऑडिबल, और ऑडिबल के सामने हमने क्या लगाया, इनऑडिबल, दैट बिकम्स व्हाट, कांट, समथिंग विच कांट बी हर्ड। और अगर मैं यहां से टी हटा दूं और सेंटेंस लाइन ये हो जाए कि समथिंग विच कैन बी हर्ड, तो क्या हो जाएगा, आप यहां से इन को हटा देंगे तो वर्ड बन जाएगा ऑडिबल, राइट right? तो यहां पे आपको एक करने से दो याद हो जाते हैं, वन इज ऑडिबल और दूसरा इनऑडिबल जहां पे लिखा हुआ है, राइट right? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, कोई भी पर्सन है या उसका बिहेवियर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको सुधार नहीं सकते, रिफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, दैट इज वेरी इजी, दैट इज इनकरेजेबल, incorrigible, incorrigible, and I'm sure आप इसमें दो वर्ड I'm sure that you can understand that अगर हम इनको हटा दें तो यहाँ से T हट जाना है, sorry means यहाँ से not हट जाएगा, able to be changed or reformed वो क्या हो जाएगा, corrigible हो जाएगा, जिसको आप आसानी से reform कर सकते हैं, change कर सकते हैं, that will become what, corrigible, और incorrigible not able to be changed or reformed, right guys? अब जो next word आपके सामने है, जो नेक्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड इन, जिसमें आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, राइट, इट इज लाइक अनबिलीवेबल, मींस दैट इज कंप्लीट लाइक दैट इज समथिंग दैट यू नो यार ऐसा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, मींस दैट इज अनबिलीवेबल फॉर यू, तो उसके लिए जो वर्ड आता है दैट इज इनक्रेडिबल, आई एन सी आर ई डी आई बी एल ई, वर्ड है इनक्रेडिबल, आई एन सी आर ई डी आई बी एल ई, राइट, और क्रेडिबल आई एम श्योर समझ सकते हैं, क्रेडिबल जिस पे बिलीव किया जा सकता है। नेक्स्ट, समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो जिसको अगर आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं दैट टू लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी इज अनअवॉइडेबल, राइट, तो हम इसको एक वर्ड और भी है जो यूज कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल दैट इज इनएविटेबल, आई एन ई वी आई टी ए बी एल ई, तो वर्ड क्या है, इनएविटेबल, राइट, समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, राइट, आगे चलते हैं, समथिंग विच नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता है, दैट मतलब कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज़ विच नेवर फेल्स, वो कभी भी फेल नहीं होती है, उसमें कोई गलती नहीं निकलती है, कोई गलती नहीं करती है या गलती नहीं करता है, और इफ इफ इट इज़ अ पर्सन और एनी थिंग, तो
दैट उसको एक वर्ड में हम क्या कहेंगे, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज इनफॉलिबल, आई एन एफ ए डबल एल आई बी एल ई, इनफॉलिबल, समथिंग विच नेवर फेल्स, दैट इज इनफॉलिबल. नेक्स्ट, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, जिसको आप हरा नहीं सकते, विच और समवन हु कांट बी डिफीटेड, हरा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनविंसिबल, आई एन वी ई आई एन सी आई बी एल ई, आई एन वी आई एन सी आई बी एल ई, इनविंसिबल, राइट. तो जैसे मैं आपसे कहूँ दैट डेथ इज इनविंसिबल, आप मृत्यु को नहीं हरा सकते, मैं तो नहीं हरा सकता हूं, एटलीस्ट आप लोग हरा सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, आई कांट डिफीट दैट, और दैट हैज टू हैपन, राइट, सो दैट इज इनविंसिबल. नेक्स्ट, समथिंग विच कांट बी बर्न्ड, जिसको जलाया नहीं जा सकता है, जो चीज जल्दी से नहीं जलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल. और अगर मैं आपसे कहूं जिसको जल जो जल सकती है, दैट इज कम्बस्टिबल, आई एम श्योर अब तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, दैट विल बी व्हाट, इनकम्बस्टिबल, राइट गाइस, समथिंग विच कांट बी बर्न दैट इज इनकम्बस्टिबल, और जो जल सकती है दैट इज कम्बस्टिबल, राइट. नेक्स्ट, समथिंग विच इजीली कैचेज फायर, यहां पे आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, लिखने दो, मैंने लिखा एक वर्ड इनफ्लेमेबल, I N F L A double M A B L E, और है क्या, something which easily catches fire. अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इनसे वो meaning negative हो जाता है, not हो जाता है, पर यहाँ पे confuse मत होना guys. This is a word that can confuse you, और ये government exams में आता है कि something which easily catches fire is what. तो इसको छोड़कर वो सबको लग सोच रहे होते हैं, बट इसको नहीं, क्योंकि इसमें ही ना आ रहा होता है, बट प्लीज ध्यान रखना, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है विच कैन ईजिली कैच फायर, जो आसानी से आग को पकड़ लेता है, आप इसको फ्लेमेबल कह सकते हैं और कम्बस्टिबल कह सकते हैं, ठीक है. मैं इसको दूसरे वर्ड में अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, मतलब आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम सिंपली टेलिंग यू, यहाँ पे ऊपर लिखा ही हुआ है, कम्बस्टिबल मैं इसको कह सकता हूँ, राइट. चलिए आगे, आज का जो लास्ट वर्ड है दैट इज व्हाट, नॉट एबल टू बी हार्म्ड इजीली, राइट, जिसको आसानी से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है, राइट, नॉट एबल टू बी हार्म्ड इजीली, तो इनसे ही स्टार्ट है, इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, आई एन वी यू एल एन ई आर ए बी एल ई, इनवल्नरेबल, राइट. इसका जो ऑपोजिट क्या होगा, वल्नरेबल, इसका एंटोनिम क्या होगा, वल्नरेबल, जिसको आसानी से चोट पहुंचाए, जैसे बच्चे, दे आर वल्नरेबल, यू कैन इजीली हार्म देम, राइट, बट जिसको आप आसानी से नहीं चोट पहुंचा सकते हैं, उसको चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है, उसको क्या बोलेंगे, इनवल्नरेबल, राइट. सो ये 9 वर्ड्स यहां पे मैं लिखे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, समथिंग विच कांट बी हर्ड, इनऑडिबल, नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, इनक्रेडिबल, समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड इन, इनक्रेडिबल, समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल दैट इज इनएविटेबल, विच नेवर फेस इज इनफॉलिबल, too powerful to be defeated that is invincible, something which can't be burned that is incombustible, something which easily catches fire inflammable. guys please main isko star kar deta hu, please ko dhyan rakhna, theek hai, something which easily catches fire is inflammable, not able to be harmed easily that is invulnerable, right guys. तो ये आज की क्लास के 20 वर्ड्स मैंने आप लोगों को कराए, एंड आई एम श्योर आप लोग इनको लिख लेंगे, और आप लोगों ने पेन और पेपर लिया ही हुआ है, एंड आई एम श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग ऑल दैट आई एम टीचिंग यू. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्लीज कीप ऑन नोटिंग, और वोकेबुलरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिना इसके यू कांट क्लेम टू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज, राइट. तो एक बार इसको आप रिप्ले कर लें.
ओके गाइस, सो आज हम लोगों ने 20 वर्ड्स मीनिंग सीखे विच वर बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थीम एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड द मीनिंग्स विच आई डिस्कस्ड विद यू टुडे एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ये लिख लिए होंगे एंड इफ यू हैवंट रिटन सो फार प्लीज राइट दैम अदरवाइज देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बेनिफिट फॉर यू पीपल. सो बिफोर आई साइन ऑफ लेट मी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टुडे. Guys, tomorrow we are going to celebrate our 68th Republic Day, right? So, I wish you a very, very, very happy Republic Day. And before I say Jai Hind to you, let me tell you again, which I told you in the beginning of my class, please, agar aap logon ne start nahi kiya hai English ko seekhna, start it today itself. Because aap logon ko iski zarurat padne wali hai and trust me, trust me please, you can learn it, right? You can. Okay guys, so thank you. Jai Hind.